ये विजुअल्स जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्विंट का एक्सक्लूसिव विजुअल है जो सुपरटेक के डिमोलिशन के दिन लिया गया था। तो ये वीडियो की चर्चा काफी हो रही है, तो आइए हम बताते हैं कि ये विजुअल हमने लिया कैसे है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस विजुअल में कि जो ट्विन टावर है वो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं टचिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 100 मीटर या उससे कम की दूरी से इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे पहले हमने ऐसा कैसे किया और क्यों किया, तो इसकी शुरुआत इस बात से हुई कि हमने सोचा कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और जितने भी लोग हैं और जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उन सब लोगों के पास लॉन्ग शॉट और जूम इन शॉट तो होगा, बट किसी के पास क्लोज शॉट नहीं होगा। वो इस वजह से कि चाहे वो बगल की सोसाइटी हो, एटीएस विलेज या एमराल्ड कोर्ट, जिसके अंदर में सुपरटेक का ये ट्विन टावर था जिसको डिमोलिश किया गया है, उन सबको खाली करा दिया गया था, तो वहां पे लोगों का रहना तो इम्पॉसिबल था, और वहां खड़े होकर अगर हमारा कोई रिसोर्स उसको रिकॉर्ड कर ले, ये तो इम्पॉसिबल था। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना था जिससे कि हम इसे रिमोटली कहीं दूर से एक्सेस कर सकें फुटेज को, और लाइव फिर उसको आप लोगों को दिखा सकें। तो ये चैलेंज हम इसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे पहले हमने किया था वो क्या था कि हमें एक स्पॉट आइडेंटिफाई करना था और वो टेक्नोलॉजी क्रैक करनी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत रिसोर्स नहीं था कि हम इसे किसी ओबी के थ्रू या वाईफाई के थ्रू या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां से फुटेज ला सकते, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी और जो भी चीजें थी वहां पे कनेक्शन बिल्कुल बिल्कुल हटा दिए गए थे। सो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी, तो वाईफाई से भी हम वहां से ले नहीं सकते थे, और हमारे पास ओबी वैन नहीं था कि ओबी के थ्रू हम इसको भेज पाते, या लाइव यू या 3G यूनिट का भी हम यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी नहीं, वो काट दी गई थी। तो हमने सोचा कि फिर हमें कुछ ऐसा टेक्निक या जुगाड़ निकालना चाहिए जिससे कि हम एक बहुत बढ़िया फुटेज बिल्कुल नजदीक से ले सके। तो हम उसके लिए पहले एटीएस विलेज, जो कि बगल की सोसाइटी थी जो ट्विन टावर से, वहां हम गए और हमने वहां एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया जहां से वो रिकॉर्ड हो सकता था, और वो स्पॉट बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे था। ये आप यहां ऐसे खड़े हैं और सामने में ट्विन टावर है, मतलब 20 से 25 मीटर दूर होगा। लेकिन वो स्पॉट क्या हुआ कि नोएडा अथॉरिटी ने उसको वो स्पॉट को कर्टन कर दिया। आप देखेंगे बहुत सारे विजुअल्स में आपको दिखेगा कि ये लंबे चादर वाइट कर्टन्स लगा दिए गए, तो वो स्पॉट पे कर्टन्स लगा दिए गए, तो वहां से फिर हमें वो व्यू हमारा ब्लॉक हो गया। फिर हमने दूसरा एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया, थैंकफुली हमारी जो कॉलीग हैं वो भी वैशाली उसी सोसाइटी में रहती हैं, तो उन्होंने हमें हेल्प किया एक स्पॉट आइडेंटिफाई करने में, जहां पे हमने कैमरा प्लेस किया। कैमरा प्लेस करने में भी शिव हमारे कैमरा पर्सन है और रिबू, उन लोगों ने भी मदद करी वहां पे कैमरा को प्लेस करने में, लेकिन चैलेंज था कि कैमरा तो प्लेस हो गया बट वो फुटेज हमारे पास कैसे आएगी। तो हमने ऐप के थ्रू उसको अपने फोन से लिंक किया, और फिर चैलेंज ये हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो फिर ये रिकॉर्ड कैसे होगा, और अगर फोन बीच में डिस्चार्ज हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने एक 20,000 mAh की बैटरी से अटैच किया और बस दुआ करते रहे कि ये वो ना हो, डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे सोसाइटी खाली कर दी गई थी, 6:30 से 7 के बीच में। तो हमें 6:30 से लेके डिमोलिशन का टाइम था 2:30 बजे, तो कम से कम तब तक हमें रोल करना था, और हमें डर था कि अगर हम तब तक रोल करते रहे तो हमारे फोन की बैटरी जा सकती है या बीच में नेटवर्क जा सकता है, फोन में कोई भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीज है, कुछ खराब हो सकती है। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने उस फोन को एक डायस वहां पे था और उस डायस पे रखा, उसको अच्छे से टेप किया, और एक ये व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये व्यू एकदम अच्छे से हमने उसको वहां पे स्टेबल करके बांध दिया अपने ट्राईपॉड को और कैमरा को, और फिर हम चले गए। अगले दिन मुझे फोन पे वो फुटेज मिल रही थी और हम बार बार बीच में प्रे कर रहे थे कि ये फुटेज आती रहे, और थैंकफुली हम देखते रहे कि वो फुटेज जो है बहुत बढ़िया आई, और हमने वो काउंटडाउन भी सेट कर लिया था, सब कुछ हो गया था, और जैसे ही वो फुटेज आई तो आप देख सकते हैं कि क्या नजारा था। वो मतलब वो धुआं और वो जो धूल एकदम कैमरे से स्क्रीन पे आ रही है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको रियलाइज होगा कि आप वहीं पे खड़े हुए और आपके फिर मुंह पर पूरा क्लाउड है और धुआं है और सब कुछ मतलब वैसा हो गया, ये वो वाला विजुअल आपके सामने इसी 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 तरीके से आप आया। तो कैसा लगा आपको ये विजुअल, आप हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं।